तो मेरा इंजीनियरिंग में हुआ, मैं एडमिशन लेने गया, बाकायदा एडमिशन लिया, और उसके 5 मिनट बाद उनको बोल दिया कि इसको कैंसिल कर दीजिए। तब मैं कहता हूँ मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी सीख सकता है, बाकी कोई सीख पाए ना सीख पाए, क्योंकि हर एक को हाँ पता है 2+2 4 क्यों होता है, 3+2 5 क्यों होता है। तो मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सही में सिखाया जा सकता है। आप खुद सोचिएगा, अगर मैथ्स के अलावा आप मैथ्स में हर चीज को प्रूफ कर देते हो, और जो चीज प्रूफ है वो सिखाई जा सकती है, मतलब बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा। मुझसे छोटे दो भाई थे, उनकी एजुकेशन भी देखनी थी, सिस्टर्स की मैरिज होने वाली थी, पापा का रिटायरमेंट, तो ऐसे में अगर मैं घर छोड़ के चला जाता तो और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 33। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं यार भाई बड़े ही स्पेशल है, बड़े ही कमाल के टीचर हैं दोस्तों, बड़े ही कमाल के टीचर हैं। पीएचडी कर रखी है इन्होंने मैथमेटिक्स में। अब ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, मतलब हम मिसालें देते ना भाई कि तू क्या पीएचडी कर रखा है किसी एक सब्जेक्ट में जो इतना ज्ञान दे रहा है, भाई ये कहने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट वाली बात है। इन्होंने सच में मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रखी, इतना टफ सब्जेक्ट उसमें पीएचडी कर रखी है। दोस्तों 20 साल से ज्यादा का तगड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस ये होल्ड करते हैं दोस्तों। और एक और मजे की बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, माय सर जी को तो हम जानते हैं, सौरभ सर के साथ तो हम पॉडकास्ट ले चुके हैं, तो उन्होंने पॉडकास्ट के दरमियान मेंशन किया था कि माय सर जी के भी कोई सर जी है माय सर जी के भी कोई सर जी है, और वो है शरद सर जिनको मैंने इनवाइट किया और वो यहाँ पे मौजूद हैं एज अ गेस्ट इस पॉडकास्ट में आ चुके हैं। तो शरद सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच श्रीधर। और जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं जब आपने मुझे ये बोला और मैंने चैनल को देखा 5 मिनट इंजीनियरिंग, जी मुझे एक सबसे अच्छा कंसेप्ट लगा। यूट्यूब पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो होता है बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट होता है। जी एक 5 मिनट के कंटेंट के लिए कई बार वो 1 घंटा निकाल देते हैं। तो जब मैंने वो देखा 5 मिनट जो यूनिक कंसेप्ट था, तो जी मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा मुझे वो देख के बड़ा मजा आया, और मुझे लगा ऐसे ही बंदा होना चाहिए जो बच्चों के लिए सोचता हो कि नहीं यार कहाँ पे हम उनका टाइम सेव कर सकते हैं। और जी स्पेशली इंजीनियर्स के पास 5-10 मिनट ही पढ़ते हैं, वो उनको पढ़ने ही होता ज्यादा। बिल्कुल तो एक अच्छा विजन और अच्छा कंसेप्ट लगा मुझे थैंक यू सर, पहले। थैंक यू। आपने मेरे काम को देखा, आपने मेरे काम को सराहा। जब दिग्गज लोग ऐसे आते हैं आपके काम को सराहते हैं, और क्या चाहिए, यही एक अवार्ड है हमें, और कोई ऐसा पुरस्कार गोल्ड प्लेटेड या गोल्ड वाला ये कोई, अरे यही है सब जो है यही मिलना चाहिए, और यही आप दे रहे हैं तो ये तो मतलब आप लाइक थैंक यू फॉर दैट जो आपने बोला कि स्टार्टिंग में आपने बताया। वैसे इंट्रोडक्शन कैसे लगा आपको आपका नहीं, मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा, पर मुझे ये बोलने का बहुत मन था कि कुछ भी स्टार्ट करूं, तो मुझे कंसेप्ट बहुत पसंद आया। और मैं कहूंगा आप इस थीम को बनाए रखना, जरूर और सर। कोशिश यही करिएगा कि 5-10 मिनट में आप वो सिखा दो जो लोग घंटों में भी नहीं सिखा पाते, और एक्चुअल में सीखने का टाइम उतना ही होता है, तो वो आप कर बिल्कुल रहे हो बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर ये भी मुझे आइडिया कहां से आया था पता, खुद से ही आया था कि मेरा जो लाइक स्पैन है ना, अटेंशन स्पैन, वो थोड़ा सा लाइक यू नो थोड़ा मैं चंचल किस्म का आदमी हूं, तो मेरा अटेंशन स्पैन ज्यादा देर टिकता नहीं है, तो मैं बोला ये जो है ये इसका यूज करना चाहिए, क्यों इसको हम लोग कमजोरी की तरह देखें, इसको पावर की तरह देखते हैं, तो लगा दी हमने पूरी पावर पावर लगा दी, और वो अटेंशन स्पैन मेरा कम है इसलिए वीडियोस भी मैं उसको जितना हो सकता है बना देता हूँ एंड डिलीवर कर देता हूँ, और लकीली बच्चों को पसंद भी आया, उन्होंने शेयर भी किया, तो बस ऐसे प्यार बना रहे। पॉडकास्ट भी इसी मकसद से कर रहे हैं कि जो भी महानुभाव जो यहाँ पे आते हैं, जो जो एक एक बड़े लेजेंड लोग यहाँ पे आते हैं, उनके लाइफ लेसन से हम सीख सके। तो यही सर मैं अभी कुछ शुरू करने वाला हूँ, कुछ सवालों के झड़ी आपसे, आई होप आप रेडी हैं अपने लाइफ लेसन हमारे साथ शेयर करने के लिए। बिल्कुल जी। तो शरद सर शुरुआती तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा लाइक इंट्रोडक्शन, कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप अभी कहां पे हैं, आप मेजरली अभी कहां अपना जो समय है किस काम में दे रहे हैं, आपका एजुकेशन आपका स्कूलिंग ये एक ब्रीफ में जरा बताइए। देखिए, मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो हम लोग, मैं मतलब बेसिकली भोपाल को बिलोंग करता हूं, जी और घर में जब हम लोग 4 ब्रदर और मतलब मेरे 3 ब्रदर और 3 सिस्टर हैं, फैमिली बड़ी थी। और जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे ये बता दिया गया था कि 3-4 साल में पापा का रिटायरमेंट होने वाला है और घर संभालना है। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। उस समय 10th क्लास में जब था तो मैं एक मेडिकल शॉप पे काम भी करा मैंने, पर मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर मैं मेडिकल शॉप पे काम करता रहा तो मैं अपना तो छोड़ो, किसी अपना ही कुछ नहीं कर पाऊंगा अच्छा, तो फैमिली के लिए कैसे करूंगा। एंड जी देन कि मैंने फिर थोड़ा सा 11th क्लास में होम ट्यूशन ली, एंड आफ्टर 12th क्लास करते ही मैंने प्रोफेशनली पढ़ाना चालू कर दिया। मेरे साथ फालके सर है, जैसे अभी आपने बोला सौरभ सर, तो मैंने फालके सर से पढ़ा, और उन्होंने बोला, मुझे पढ़ाने का शौक भी था कि पढ़ाओ, और फर्स्ट ईयर ही मैंने 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मतलब 12th करते ही 12th के और 11th के 100 100 बच्चों का बैच लिया। एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया और समझ में आया कि राह मिल गई है, और उसके बाद फिर कुछ कंफ्यूजन नहीं था लाइफ में, इसलिए मेरी जो पूरी पढ़ाई हुई
वो पहले मैंने स्कूलिंग करी, तो स्कूलिंग के बाद जो पढ़ाई हुई वो प्राइवेट ही करी मैंने, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद एमएससी किया, एमएससी के बाद फिर लगा क्योंकि टीचिंग में कई लोग बोलते हैं तो मन था मैथ्स का, तो मैथ्स से पीएचडी भी कर ली। पर मेरा जो एम था वो पढ़ाने का वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और बिल्कुल क्लियर था, इसलिए मैंने कभी, क्योंकि घर पे बहुत प्रेशर था, अब तो आजकल टीचर्स अच्छा पोजीशन पे आ गए, उस समय प्रेशर रहता था कि भाई जॉब करो गवर्नमेंट, इसमें क्या रखा क्या होगा, तो मैंने कभी गलती से भी कोई फॉर्म नहीं भरा कि कहीं गलती से सिलेक्शन हो गया तो मुझे घर वाले पीछे ना भेज दे, तो मैंने कभी ऐसी कोई मिस्टेक नहीं की, तो बिल्कुल क्लियर था कि मुझे पढ़ाना है जी। और जो चीज पढ़ते समय स्कूल में मुझे नहीं मिली, जैसे आपने बोला ना 5 मिनट का स्पान, हम अपनी चीजों से जो सीखते हैं वो हम सबसे अच्छा स्टूडेंट को दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हमारे में जो कमी है हजारों में होंगी। बिल्कुल। तो स्कूल में मुझे जो चीज मैथ्स में ढंग से नहीं पढ़ाई गई, पढ़ाई नहीं गई, इनफैक्ट जैसे कुछ टॉपिक होते हैं प्रोबेबिलिटी हुआ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, तो मैंने उन टॉपिक्स को अलग से तैयार किया, देखा बच्चों सबकी वही तकलीफ है, तो वो चीजें जो स्कूल में हमने सीखी है रेगुलर लाइफ में, मेरा एक हमेशा मानना है कि जो हम सीखते हैं या जो प्रैक्टिकल चीजें जो मुझे दिखती है, मैं उसी ढंग से फिर पढ़ाना चालू किया और आज भी पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद है कि आगे भी पढ़ाता रहूंगा। अभी मेरे पास जो बेसिकली मैं जिनको ट्रेन करता हूँ वो है एमसीए एंट्रेंस स्टूडेंट, आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं और एनडीए के स्टूडेंट हैं, 11th 12th मैथ्स वाले बच्चे। इनफैक्ट क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग और क्वांट है तो जुड़ सभी जाते हैं, पर मेरा मेजर पार्ट ये रहता है। जी 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 एक्सीलेंट सर, मतलब क्या बताएं आपको, ये जो आपने बताया कि 12वीं से ही आपने सिखाना शुरू कर दिया, तो ये डिसीजन मेकिंग बड़ा दिक्कत वाला काम होता है, मतलब लाइक उसके लिए जिगरा चाहिए होता है सर कि इतने कम उम्र में आप डिसाइड कर ले कि मैंने ये करना है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ सर क्योंकि ना आजकल और पहले भी ऐसा था कि लाइक टीचिंग को जो है ना लास्ट ऑप्शन देखा जाता था कि भाई अगर मैं कुछ नहीं कर पाया ना तो मैं टीचिंग कर लूंगा, ऐसा होता है। बट आपने इसका उल्टा किया, आपने बाकी सब छोड़ दिया, बोला मैं तो भाई 12वीं में जो है टीचिंग सही करूंगा। लेकिन मैं अभी जानना चाहता हूं इसके पीछे की कहानी कि सर आखिरकार ये जो टीचिंग के लिए जिद है, ये जो टीचिंग की ही करनी है, ये वाला जो हौसला है, ये जो विचार है, ये आपके लाइफ में कैसे आया? इन शॉर्ट सर, हाउ टीचिंग केम इनटू योर लाइफ? देखिए, मेरा जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया था, और उस समय जो आज एनआईटी है उस समय वो एनआईटी रीजनल कॉलेज होते थे। जब मैंने क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम अगर कोई चीज के लिए कुछ बोलते हैं तो वो हमारे पास होना चाहिए। मान लीजिए मैं साइकिल पे घूमता हूँ और मैं कार की बुराई कर रहा हूँ, तो पहले मुझे कार घर में खड़ी करनी है, फिर मैं बोलूंगा। तो मेरा इंजीनियरिंग में हुआ, मैं एडमिशन लेने गया, बाकायदा एडमिशन लिया, और उसके 5 मिनट बाद उनको बोल दिया कि इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं फी जमा कर सकूं। मुझसे छोटे 2 भाई थे, उनकी एजुकेशन भी देखनी थी, सिस्टर्स की मैरिज होने वाली थी, पापा का रिटायरमेंट, तो ऐसे में अगर मैं घर छोड़ के चला जाता तो और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती जी। और क्योंकि मैं पहले से मतलब 9th 10th से एक एक बच्चे को पढ़ाता भी रहा हूँ, 100-200 रुपए की ट्यूशंस भी की थी उस समय मैंने, तो मुझे लगा नहीं यार ये ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि अगर मैंने कुछ अच्छा कर लिया तो मेरे छोटे भाई अच्छा कर लेंगे, जैसे मेरे छोटे भाई ने इंजीनियरिंग भी किया, एमबीए भी किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है अपन कहीं ना कहीं किसी एक को, देखिए कोई ना कोई एक जनरेशन लगती है जो कि इंटायर फैमिली आने वाले समय को बदलती है। Exactly. और वो किसी और से एक्सपेक्ट करूं उससे अच्छा मैं खुद बनूं। मेरा लाइफ में हमेशा बच्चों को भी यही मैसेज देता हूं, आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो। आपको ये लगता है कि आपके पिता ने ये कम दिया तो आप जब पिता बनो तो आप बच्चे को देना, एज अ बच्चा आपको लगता है कि मुझे ये कम मिला तो आप अपने बच्चे की तरफ से सोचना, तो वो मेरे अंदर थॉट था, इसलिए मैं इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहा। और फिर 12th के बाद जो पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत इंजॉय किया और आज भी बहुत इंजॉय करता हूँ, मजा आता है पढ़ा के। ऐसा लगता है कि अगर किसी दिन नहीं पढ़ाता वो दिन भले ही कैसा निकले, पर जिस दिन पढ़ाता हूँ वो दिन सबसे बेस्ट होता है, तो आज इंजॉय करता हूँ। फिर जो चीज जैसे मैंने अभी बोली, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैंने सोचा था कि मेरे को तो मेरे पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाए, इसलिए उस पर अफसोस नहीं करना है, पर मैं अपने बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, तो आज भोपाल के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली को वो सब दूंगा जो नहीं मिल पाया। तो मेरा थोड़ा सा ओरिएंटेशन हमेशा ऐसा रहा कि किसी और पे मत डालो, अपन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसको फिर आगे बढ़ाओ। जी जी, ये एकदम सही बात आपने कही कि किस क्यों किसी के ऊपर निर्भर रहे कि यार ये मेरा भविष्य बदलेगा या जिंदगी बदलेगा, ऐसा किसी के ऊपर क्यों रहे, खुद जो है भैया अपने ऊपर लाइक इंडिपेंडेंट कहते हैं ना अपन, क्या मैं इंडिपेंडेंट टू लाइक दैट। बट फिर भी वो सवाल मेरा यहीं पे है कि लाइक आपने जिम्मेदारी ली, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बट वो अलग अलग तरीके से ली जा सकती थी कि मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, ये किया जा सकता था, वो किया जा सकता था, लेकिन फिर टीचिंग ही क्यों? टीचिंग इसलिए कि करने को सही बोला है, बहुत कुछ किया जा सकता था, पर जो चीज जिसमें कम होती, जैसे मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई और वो मैं मिस करता था, 12th तक भी मैंने मिस की क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिला जो मैं चाहता था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार टीचिंग करना चाहिए। और दूसरा, मेरे फादर भी
लेक्चरर रहे थे अरे और अच्छा सिस्टर से भी पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ब्लड से भी ट्रांसफर हो, तो मुझे वो, और हमेशा हाँ काम वो करना चाहिए जिसमें सेटिस्फेक्शन मिले, तो मुझे हाँ पढ़ा के बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था, इसलिए आज कैरियर उसे बनाया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कहीं और, जैसे मेडिकल शॉप पे काम करता था मजा ही नहीं आता था, कर रहे हैं बेमन से। अगर मान लो कई लोग होते हैं जो मेडिकल शॉप पे काम करते हैं और उसी में हो सकता है वो आगे जाके अपनी मेडिकल शॉप भी खोलते हैं, बड़ा बिजनेस भी करते हैं, तो वो वैसा विजन हो जाता है किसी का, पर मेरा उसमें करते हुए समझ में आ गया, नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं इसके लिए सूटेबल नहीं हूँ। तो और जब तो 12th के बाद एकदम 50-50 बच्चों को पढ़ाया और बच्चों ने जो अप्रिशिएट किया मुझे, तो उससे हाँ लगा कि मैं ठीक हूँ, मतलब सही जी डायरेक्शन में हूँ। जी जी तो सर, तब आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे जब आप लाइक यू नो ये जो आपने बैच बताया 12th का अपना? स्टार्टिंग से मैंने मैथ्स पढ़ाया है, अच्छा, स्टार्टिंग से आपका मैथ्स में इंटरेस्ट रहा है। ओके ओके। मैथ्स में और इंटरेस्ट रहा है मैंने। अच्छा, तो फिर आपने बैचलर्स डिग्री डिग्री जो है वो आप किस में किया आपने सर? मैंने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया, जी फिर जी एमएससी किया मैथमेटिक्स, जी फिर उसके बाद पीएचडी कर लिया। मतलब सारा मैथ्स में सर आपने मतलब लगा दिया है। अरे भाई, सारा क्योंकि जी मैं आपको लाइक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बता दूं सर, मतलब लाइक मैंने भी बैचलर्स, मेरा जो इंजीनियरिंग डिग्री लिया मैंने बी, वो उसमें ना सर मतलब एक खौफ होता है, एक खौफ होता है हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, वो होता है M1, M2, M3, ये तीन सीक्वेंस में जो मैथ्स वाली डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है ना सर, ये मतलब मत और मैं अगर सच बताऊं सर, मतलब कि पास भी होंगे या नहीं ये सवाल होता है दिमाग में कि यार ये बड़ा ही कठिन है, ये कठिन डगर है, इसको पार कैसे किया जाए। और इन रियल लाइफ उससे भी अगर पहले की मैं बात करूं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये मैथ्स सब्जेक्ट बड़ा अटपटा सा, बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये दिमाग में नहीं घुसता। तो लेकिन फिर भी आपने मैथ्स चुना, तो क्या आपको इनिशियली ऐसी दिक्कतें आई थी जैसे कि नॉर्मल, जैसे हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऐसे आती है, या फिर आपके लिए बच्चों का खेल पहले से ही था? नहीं, मेरा एक चुन में एक लाइफ का और फर्दा है कि मैं हमेशा ना प्रॉब्लम की जगह प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे जाता हूँ। मैंने फिजिक्स, मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाया, बच्चों ने उसको भी बहुत पसंद किया, पर इंटरनली मुझे फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा के वो एंजॉय नहीं आया, मतलब जो मजा आता है ना, जिसे कहते हैं कि मैं बच्चों को जो देना चाहता हूँ वो नहीं दे पाया, जबकि बच्चों ने कहा बहुत मजा आया सर, पर अंदर से हम जानते हैं, जैसे आप भी सेशन लेते हो आपको पता होता है कि ये सेशन जो ले रहा हूँ मैं सबसे अच्छा है, इस सेशन में कुछ कम है, बिल्कुल। तो वो चीज मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी लगी। और मैं लाइफ में हमेशा से एक चीज बोलता हूँ, जब भी कोई बच्चों को भी बोलता हूँ कि आप अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है आप खुद ही बोलो, और बार बार बोलो, आपको प्रॉब्लम कम दिखेगी, सॉल्यूशन ज्यादा दिखेगा उसमें। तो मैं हमेशा से कि ये चैलेंज है, तो ठीक है मैथ्स है अच्छा है, क्योंकि मैथ्स डिफिकल्ट होता है, जैसे आपने अभी बोला M1 M2 M3, या कई लोग मैथ्स से भागते हैं 10th के बाद मैथ्स हमारे यहाँ, क्योंकि ये एक सिस्टम है, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि बच्चे तो बायो इसलिए लेते हैं क्योंकि मैथ्स से फेयर होता है, हाँ कॉमर्स इसलिए हाँ लेते हैं मैथ्स से फेयर होता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम बच्चों को कुछ ऐसा दे पाए, सबको तो नहीं पर जितनों को भी, कि उनके अंदर का मैथ्स का डर निकाल दें, जो एक चीज है जो मुझे, इसलिए मुझे मैथ्स पढ़ाने में बड़ा मजा आया कि यार ये चीज जी सिखाने वाली है, जो सिखाई जा सकती है, तो सर हिस्ट्री तो आपने रटनी होती ये आपने बड़ी ब्रूटल ऑनेस्टी वाली बात कर दी कि हिस्ट्री तो रटने वाली होती है। सही सही बात कही हम तो यहाँ पे। लेकिन मैं वही अभी जो है, अभी प्रॉब्लम तो हमारे सामने है कि जो बच्चे होते हैं वैसे कि बहुत लाइक डिफिकल्ट लग रहा है मैथ्स सब्जेक्ट। ओके। और आपने तो इतने सारे हजारों लाखों स्टूडेंट्स के साथ आपने इंटरेक्ट किया, उनको मैथ्स पढ़ाया, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कारण हो सकता है कि बच्चे जो हैं इनिशियल लेवल पे मैथ्स से बहुत डरते हैं, उसको नहीं सॉल्व करना चाहते या उसको एज अपना लाइफ करियर नहीं बनाना चाहते मैथ्स को लेके? उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ एक पेड़ लगा हुआ, पौधा लगा हुआ है, और एक कली है, अगर हम कली के ऊपर पानी डालेंगे तो कभी फूल नहीं बन सकती, पर अगर हम ग्राउंड पे मतलब उसके जड़ पे पानी डालेंगे तो फूल बनेगा। जो बच्चे मैथ्स नहीं सीख पाते उनकी बेस प्रॉब्लम ये कि वो क्वेश्चन सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, या टीचर भी बताते हैं इसको ऐसे सॉल्व कर लो, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, उसका जो बेस है, फाउंडेशन है, उस पर वर्क हो जाए तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो नहीं सीख सकता। मैं कहता हूँ मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी सीख सकता है, बाकी कोई सीख पाए ना सीख पाए, क्योंकि हर एक को पता है 2+2 4 क्यों होता है, 3+2 5 क्यों होता है। तो मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सही में सिखाया जा सकता है। आप खुद सोचिएगा, अगर मैथ्स के अलावा आप मैथ्स में हर चीज को प्रूव कर देते हो, और जो चीज प्रूफ है वो सिखाई जा सकती है, मतलब बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा, पर उसके लिए जाना पड़ेगा बेस में, और मेरा मानना जितने ऊपर जाना होता है उतने ही नीचे भी जाना पड़ता है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। फाउंडेशन पे मैंने बहुत वर्क किया है, और आज भी मैं बोलूंगा सभी जो
लिसनर हैं, जो टीचर्स हैं, कि कोशिश ये करना चाहिए कि हम बच्चे को टफ प्रॉब्लम करवा पाए ना करवा पाए चलेगा, पर बेसिक करवा दें टफ, वो अपने आप करना सीख जाएगा। आईआईटी के भी बच्चे जो तैयारी करते हैं वो बिगेस्ट मिस्टेक यही करते हैं। मेरे पास बहुत सारे आईआईटी के कोटा के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो बताते हैं कि सर वहां पर वो आप इतने सिंपल वे में कर देते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मैं बोलता हूँ वो कारण ये नहीं है उसका, उसका कारण ये कि वो प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। मेरा फोकस होता हमेशा कि फाउंडेशन, उसका बेस क्या, वो पकड़ो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं एकदम सही कहा, और सर मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि मेरा भी मैथ से कुछ खासा इतना बनता नहीं था, बट जब इंजीनियरिंग में आया तो तब करना ही है, मैं M1 M2 M3 पास करना ही है, और लकीली बिना किसी बैकलॉग के सब निकाल दिया था हमने इंजीनियरिंग, तो वो बाद में तब समझ में आई कि इंटीग्रेशन आ रहा है, डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी बुनियाद जो है ना ये स्ट्रांग करनी जरूरी, तब जाके आप कहीं कोई प्रॉब्लम आपको दे दे तो वो सॉल्व कर पाओगे। एंड मैंने बहुत काम किया उसके ऊपर, एंड इसी की वजह से ये, इसलिए मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ आपने जो कहा सर। और आपने अभी एक और चीज़ भी, जब आप हम बात कर रहे थे, एक चीज़ मेंशन की सर, कि जब आपकी स्कूलिंग हो रही थी, जब आपका एजुकेशन था, तो वहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ समस्याएं थी, तो अब मैं बात करना चाहूँगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सर। अब ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसमें सब कुछ गिन लीजिए, आप स्कूलिंग गिन लीजिए, कॉलेज गिन लीजिए, इंजीनियरिंग जो भी है, जो भी अलग अलग कोर्सेज है वो सब गिन लीजिए, तो मैं अभी मेरे अंदर भी फ्लॉज है सर, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ कमियाँ होती हैं, और सिस्टम के अंदर भी होती हैं, अलग अलग फाइनेंस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, बट एजुकेशन सिस्टम सर बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य बनाता है वो हमारे देश का, तो मैं चाहता हूँ कि सिस्टम में जितने कम फ्लॉज हो ये उतना बेटर दिखेगा, इतना बेटर निखर के आएगा, उससे भविष्य बदलेगा स्टूडेंट्स का, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ऐसी कौन कौन सी फ्लॉज या जो कमियां हैं एजुकेशन सिस्टम में आपने ऑब्जर्व की हैं, और क्या सॉल्यूशन आप प्रपोज करना चाहोगे उन सब के लिए। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं एक दो स्कूलों में कुछ कॉम्पिटेटिव क्लास लेने भी जाता हूँ, और मुझे बोलते भी वो टीचर्स बन जाएं, पर मैं क्यों नहीं बना कभी स्कूल में टीचर वो भी बताता हूँ, और क्या चीजें जिन पे वर्क करना चाहिए। मेरा मानना है कि जो स्कूल में टीचर्स होते हैं स्पेशली 10th 12th तक जी, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी। पर हमारे यहाँ ये होता है कि टीचर पढ़ाने को छोड़ के सब कुछ करता है, स्कूल टीचर काउंटिंग भी कर रहा है, जनगणना की पोलियो के लिए भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है पढ़ाने को छोड़ के। तो मेरा ये मानना है कि जबकि टीचर ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से फ्री हो, उसको बच्चों को पढ़ाने के अलावा कोई काम ही नहीं देना चाहिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि टीचर से काम नहीं करवा जाते हैं, तो कई बार वो ज्यादा पढ़ा देते हैं। एक दूसरा, जो एक जैसे 35 मिनट का लेक्चर होता है, मुझे वो, जैसे मैं 2-3 स्कूलों में जाता हूँ, मैं 35 मिनट में तो फ्लो में आता हूँ तो हाँ। मेरा ये मानना है कि हम जब जाते हैं 5-10 मिनट तो बच्चे से इंटरेक्शन करते हैं क्लास में जाते ही, थोड़ा पढ़ाना चालू करते हैं, बेल बजती, अगला टीचर खड़ा, हम उसको कुछ दे ही नहीं पाते। एक दिन में मैथ्स के 3 लेक्चर हो रहे हैं स्कूल में, हाँ। उसकी जगह 3 लेक्चर को कंबाइंड करके बच्चे को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाए। दूसरा, स्कूल में एक प्रॉब्लम और होती है कि बच्चे को हम 6-7 से ही उनके फाउंडेशन पे वर्क करें। देखिए, हम लोग, आप भी जैसे एक्सटर्नल पढ़ा रहे हो, मैं भी एक्सटर्नल पढ़ा रहा हूँ, हम सेकंड ऑप्शन है। मैं हमेशा स्कूल में टीचर्स को बोलता हूँ कि आप लोगों ने ही हमें हम लोगों को इतना डेवलप किया, अगर आप अच्छा इनपुट दे दोगे तो बच्चे को, और कई स्कूलों में टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल हाँ। आप देखिएगा, जब टीचर अच्छे होते हैं तो वो बच्चा वो सब्जेक्ट कहीं और नहीं पढ़ता, हाँ, तो यानी टीचर अगर स्कूल में ही सब दे दे तो बच्चे के पास कितना टाइम हो। मैं मानता हूँ आज की डेट में बच्चा स्कूल जाता है, घर आता है, घर आने के बाद 1-1.5 घंटा भी रेस्ट नहीं करता और अगली ट्यूशन चला जाता है, उसका सेल्फ स्टडी टाइम बहुत कम हो गया है। तो स्कूल कैरिकुलम अगर चेंज हो जाए तो बहुत हद तक बच्चे की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और वो ज्यादा टाइम दे पाएगा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, दे पाएगा टाइम सेल्फ डेवलपमेंट में, टाइम दे पाएगा, जो पढ़ रहा है उसको समझेगा। अभी क्या होता है, टाइम कम होता है तो समझने की जगह याद भी करके निकाल लेता है काम की, चलो यार अब टाइम कम है। तो ऐसी कुछ चीजें जिन पे स्कूल को वर्क करना चाहिए कि टीचर को फुल टाइम सौंपा जाए। एक बैच अगर दिया है तो उस बच्चे के 50 बच्चे की इनको ही संभालो, जैसे हमारे पास एक बैच आता है या आपके पास आता है तो आप उन्हीं को पढ़ा रहे होते हैं, पूरे साल उनकी चिंता कर रहे होते हैं। मत भेजो 6 जगह उन टीचर को, कोई और किसी तरह का काम मत दो, बस ये सोचो कि आपके ये बच्चे हैं और इनको ही आपको देखना है। लेक्चर टाइम अच्छा हो, बच्चे के प्रैक्टिकल्स, उसके एप्लीकेशंस उनको बताए जा रहे हो, उनसे करवाया जा रहा हो। इसके अलावा जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होती है स्कूल में, वो पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीट करने पे देते हैं। मेरा फोकस होता है सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, जो पढ़ाया जाए वो 100% कंप्लीट हो। बच्चा 80% पढ़े
पर 80% 100% आना चाहिए उसको। हाँ तो वो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब आदतें डेवलप हम स्कूल में ही कर देते हैं बच्चे के अंदर, कि ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजों से बच्चे के अंदर पास होने की ललक हो जाती है। बस पास हो जाओ, नंबर आ जाए, कितने परसेंट आ जाए, उस बात पे फोकस नहीं होता कि नॉलेज कितनी बढ़ती है। तो मेरा मानना है कि पढ़ाई नंबरों के लिए नहीं, नॉलेज के लिए होना चाहिए। नॉलेज की पढ़ाई होगी तो नंबर आएंगे, नंबरों की पढ़ाई होगी तो नॉलेज बढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी पता नहीं, नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। तो इस चीज पे स्कूल करिकुलम पे वर्क करना चाहिए। जी और जी ग्रेजुएट में तो देखिए, आप इंजीनियरिंग में आपने देखा है बहुत जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा मेच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, वो खुद भी कर लेता है। पर 10th तक स्पेशली बहुत ध्यान देना चाहिए बच्चों को हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और मुझे लगता है 10th तक बच्चे को कहीं कोचिंग भी नहीं जाना चाहिए। हाँ और मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ, इसलिए हम लोग हमारे यहाँ क्लास 11th से स्टार्ट करते हैं। मेरा खुद का भरोसा ये कि नहीं, 10th तक बच्चा जितना खुद पढ़ेगा, जितना सीखेगा खुद, उससे उसको ज्यादा डेवलपमेंट होगा। जी, नहीं सही बात है सर। और अभी आपने एग्जाम्स का जिक्र किया था, तो उसमें कुछ पास होते हैं कुछ फेल होते हैं, तो अब यहाँ पे मैं फेलियर की बात करना चाहूँगा कि सर देखिए फेलियर से आदमी बहुत कुछ सीखता है। मेरी भी लाइफ में बहुत सारे फेलियर आए हैं, शायद आपके भी लाइफ में फेलियर आए होंगे। तो सर मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके हिसाब से आपके लाइफ में वो कौन सा एक बहुत बड़ा फेलियर था जो कि आपने विटनेस किया, और उस फेलियर से आप क्या सीखे? देखिए, जब तक इंसान फेल नहीं होगा ना, वो सीखेगा ही नहीं। मान लीजिए मुझे सब कुछ मिलता जा रहा है और मैं पास होता जा रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरी जॉब भी लग गई, मैं कह रहा हूँ सब कुछ आगे भी, जॉब भी लग गई, पैसा भी आ रहा है, 40 साल का भी हो जाऊँ 50 साल का, मैं वो नहीं सीख सकता जो कि मैं फेल होने पर 10th क्लास में सीख सकता था, 11th क्लास में सीख सकता था। क्योंकि फेलियर ये बताता है कि हम कहाँ कम रह गए, क्या हमें लर्न करना चाहिए, हम अपने आप को थोड़ा समझ पाते हैं। अगर हमें सक्सेस बहुत इजीली मिलती जाए तो हम कई बार अपने आप को समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल तो फेलियर तो बहुत कुछ सिखाता है, और लाइफ में फेल केवल एग्जाम और स्कूल नहीं होता, बहुत सारी जगहों पे होता है। हमने जो सोचा होता है हम उसमें भी कई बार फेल हो जाते हैं, हमें ये करना है हम उसमें भी फेल हो जाते हैं। हर एक चीज लाइफ का, पर डे का जो हमारा रूटीन होता है उसमें कई चीजें ऐसी होती है जिसमें हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, पर बिल्कुल अगर हम उसको बहुत ध्यान से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा इससे भी हमने कुछ सीख लिया। वैसे ही हाँ जैसे बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है, तो जी हम हर एक चीज से कुछ ना कुछ तो सीख सकते हैं। और सीखने बिल्कुल जिसमें सीखने की ललक है वो जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता, ये मेरा स्ट्रांग बिलीव है। सर, बिल्कुल बिल्कुल। बट आप अपने लाइफ का एक ऐसा फेलियर बताइए जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर है, और इससे आपने क्या सीखा, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मेरा मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि अच्छा मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं तो हर चीज से कुछ लर्न करता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने सुना होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसको मैं थोड़ा अलग ढंग से देखता हूँ, जो होता अच्छे के लिए होता है, इसका पता बाद में चलता है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया तो मुझे आज पता चल रहा है कि आज हजारों बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, तो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बाहर हैं, है ना। हम बच्चों को देख रहे हैं कि अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो अगर मान लो मैं इंजीनियरिंग करके आज जॉब कर रहा होता तो मैं ये नहीं देख सकता था। तो हर चीज में मैं ये ढूंढता हूँ कि इसका पता बाद में चलता है, और अपने को बाद में समझ में भी आता रह रही, अच्छा हुआ वो हुआ होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो ऐसा मैं अपनी लाइफ में कुछ ठीक मानता है नहीं हूँ कि ये कुछ जी इस तरह का कोई फेलियर है। जी जी ठीक है। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से अभी पूछता हूँ, इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूँ सर। अप्स एंड डाउन्स सभी के लाइफ में आते हैं कि लाइक यू नो कि अब अच्छा चल रहा है, अभी अच्छा नहीं चल रहा है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं कि अब रास्ता नहीं दिख रहा, अब क्या करें। कई बार शक होता है खुद के ऊपर, सेल्फ डाउट होने लगता है। तो ऐसा कुछ मोमेंट सर कि जब आप टूट गए हो कि अभी क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ मोमेंट? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो मोमेंट कई बार हुआ, अप डाउन बहुत देखे हैं मैंने। पर जब डाउन होता है तो मैं सोचता हूँ कुछ सीखना है, कुछ नया कर दिखाना है। जैसे हम पहले 11th 12th को पढ़ाते थे, फिर मैं IIT में इंटर हुआ, फिर IIT में थोड़ा सा टीम का वो इशू आया तो MCA में इंटर हुआ। तो ऐसे अप डाउन मैंने बहुत देखे। मैंने 500 बच्चों की भी क्लास ली और 5 बच्चों की भी क्लास ली, पर जब 5 के लिए जब भी मैंने यही सोच रखा है कि 500 ही बैठे, तो अप डाउन तो बहुत आए हैं और ऊपर नीचे चलता रहा है। पर इससे मुझे कुछ कुछ सीखता ही रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो ना कि क्या और नया कर सकते, क्या एक्सेल कर सकता, अच्छा करा भगवान ने। मैं हमेशा बोलता जब ऐसा होता है कुछ अप डाउन में डाउन होता है तो बोलता भगवान कुछ मैसेज दे रहा है अपने को आगे अच्छे के लिए। क्योंकि सुख और दुख तो वैसे ही हेड और टेल, अगर ना तो सुख हमेशा रह सकता है ना दुख हमेशा रह सकता है। तो जैसे ही कुछ डाउन आना चालू होता है, मतलब अब मुझे समझ में आ जाता है अपन कुछ कम सीख रहे हैं, लर्निंग अभी फिर से चालू करनी है, हाँ तो नाउ सही स्टार्ट कि आप कुछ नया करके अपन को आगे बढ़ना है, ये एक सोचे। और यही चीज मैं चाहता हूँ बच्चों के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि हाँ हर एक की लाइफ में अप डाउन आते हैं। जी 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 तो उनको अपने आप को तैयार ऐसा करना चाहिए कि जब अच्छा चल रहा हो तो जितने खुश हो,
बुरे होने पे भी उससे ज्यादा खुश हो जाओ कि अब और अच्छा होने वाला है। तो ये थॉट, क्योंकि देखिए ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है कि जो आप दिमाग को थॉट दोगे दिमाग वैसा ही काम करेगा। अगर आपने दिमाग को बोला कि मेरा डाउन हो गया है, अब मैं क्या होगा जीवन में, आप कुछ हो नहीं सकता, आप इमीडिएटली अंदर से टूटने लगोगे। बिल्कुल, वहीं आपने ब्रेन को नहीं यार अच्छा हुआ चलो अब अपन फिर कुछ नया करके दिखाएंगे। अपने आप से चैलेंज लेना है, किसी और से कंपटीशन करना ही नहीं। चैलेंज जब तक हम अपने से लेंगे जब तक जीते रहेंगे, अगर हमने दूसरे से कंपेयर किया बस प्रॉब्लम चालू। जी बिल्कुल सही, मतलब अचूक बात यहाँ पे जो है सतीश सर ने जो यहाँ पे शेयर की, मैं सच बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब कठिन समय आता है कि जब ऐसा लगता है कि अभी कुछ क्या करे भाई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, जब ऐसा समय आ जाता है ना तो याद रखिए कि सबसे पहली बात ये जो हो रहा है ये आपको बाद में समझ में आएगा कि आपके अच्छे के लिए था। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि भगवान आपको कुछ देना चाहता है उससे पहले परीक्षा ले रहा है। भगवान आपको कुछ देना चाहता है उससे पहले आपकी परीक्षा दे रहा है। वो देख रहा है कि जो देना चाहता हो उसके लायक हो या नहीं भाई तुम उसके लायक हो। सही बात कि भगवान बहुत छोटी छोटी लॉलीपॉप देता है बीच बीच में, पर उसको नहीं लपकना है, बड़े के लिए करना है। बिल्कुल सही बोला आपने। एग्जैक्टली ये मैंने सीखा है। और ये मैंने पर्सनल, मेरे बहुत सारे किस्से हैं मेरे भी कि जिसमें मैंने ये देखा है कि अरे यार कठिनाई आई है, मैं ऊपर देखता हूँ भगवान इसको थोड़ा और स्ट्रांग करो और स्ट्रांग करो क्योंकि मेरे को और बड़ी चीज चाहिए। तो ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में रखिए। डिप्रेशन, अलग अलग बेकार वाले थॉट्स, ये आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं क्योंकि आपको पता है भाई ये जो आ रहा है ये इससे बड़ा और इसके पीछे कुछ है, इसके पीछे कुछ है और मजा आने वाला है। तो ये तो बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छी चीज सर इसमें से निकल के आई है, जो ये जो सवाल था मेरा सर। और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आप भी बिल्कुल उसी एटीट्यूड के साथ हो, क्योंकि अप डाउन्स बहुत आते हैं, बहुत। ये टीचिंग फील्ड में ऐसे ऐसे अप डाउन्स देखे हैं मैंने जो कि मैं, मतलब उसको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पर मैं बता रहा हूँ बहुत आते हैं, पर हम उससे क्या सीखते हैं वो आप भी उसी तरह के हो, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही बनाए रखना अपने आप को। जी सर बिल्कुल। और आपसे वार्तालाप तो अभी ऐसा थोड़ी ना कि अभी अच्छा पॉडकास्ट हो गया उसके शरद सर के साथ बात नहीं होगी, अरे रोजाना वार्तालाप होगी, रोजाना सीखने को मिलेगा हमें शरद सर से। तो वो तो एक मौका है, वो तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। बट सर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा आगे चल के कि आपने टीचिंग यहाँ पे शुरू कर दी थी, चलिए हम वहां तक समझ गए बात। तो उस वक्त उस दरमियान आप जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर रहे थे, आपने बोला कि अच्छा हो मैंने नहीं किया जॉब के लिए। बट मैं जानना चाहूंगा कि उस डिसीजन में फैमिली, जो आपकी फैमिली थी, उसने आपका कितना साथ दिया, कितना सपोर्ट किया? क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि भाई जॉब वॉब है, अगर अपॉर्चुनिटी आ रही तो भाई जा वहां पे अच्छा खासा है, बिकॉज इनिशियली तो टीचिंग में बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, वो फैमिली ने भी देखी होगी। तो किस तरीके से आपको फैमिली ने सपोर्ट किया ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए मेरी फैमिली का ऐसा कभी कोई बहुत प्रेशर नहीं रहा, उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं, क्योंकि मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, उनका मन था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं और उनका ये कहना था कि उसमें आगे जाके पेंशन ये वो। मैंने कहा वो तो बात की बात है, अगर मैं आज ही कुछ अच्छा करूंगा तो पेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उनका कोई, मतलब कोई अपोजिशन भी नहीं था, कोई बहुत वो नहीं था, पर मुझे ऐसी बहुत प्रॉब्लम नहीं आई। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि पहले साल जब 50-50 स्टूडेंट्स के बैच थे 100-100 के, तो उनको भी लगा कि साथ कर सकता हूँ। 2-3 साल में उनको समझ में आ गया कि ये अब अपनी लाइन चेंज करेगा नहीं, मतलब मेरी ग्रेजुएशन होते होते उनको समझ में आ गया, फिर उन्होंने बोलना छोड़ दिया। एंड देन मैं फिर और क्योंकि स्टार्टिंग से कॉम्पिटिटिव पढ़ाया था तो प्रोफेशनल टीचिंग में था तो अच्छा एक्सपोजर मिल रहा था, अच्छी चीजें सीख रहा था। तो घर वालों ने फिर बाद में सपोर्ट करना चालू कर दिया, उनको भी दिखने लगा, क्योंकि मैंने पापा के रिटायरमेंट के 1.5 साल पहले ही पूरी तरह से घर संभाल लिया था। मैंने ये सोचा था कि मैं उनके रिटायरमेंट के पहले संभाल लूं घर, और ऐसा हो भी गया। तो वो उनको समझ में आ रहा था कि अब चीजें ठीक होती हुई दिख रही, तो ऐसी कोई बहुत दिक्कतें नहीं आई। जी और फिर जी। बाद में तो वो इतने सपोर्ट में आ गए कि उनको ऐसा लगता था कि यही करना चाहिए। सही बात है, सही बात है। मतलब मैं ये वैसे बहुत सारे पॉडकास्ट में कह चुका हूँ, आज भी मैं ये खासकर मेंशन करना चाहूंगा। देखिए मतलब जिंदगी में आपके दो ही ऐसे मात्र जीव होते हैं आपके लाइफ में, आपके माँ और आपके पिता, कि वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकते कभी भी, लाइक यू नो कि मतलब सपने में भी नहीं, कुछ काम करते वक्त भी नहीं, कभी नहीं। वो हमेशा ऐसा होता है कि यार इसके ऊपर कठिनाई ना आए, इसको थोड़ा सा अच्छा मिले, इसको फ्यूचर अच्छा मिले, तो सोसाइटी बता देती है कि यार जॉब बढ़िया है ये वो, तो उस हिसाब से वो डायरेक्शन में चल जाते हैं। बट कई बार स्टूडेंट्स को ये दिक्कतें होती हैं सर कि लाइक अरे फैमिली वाले मान नहीं रहे, मेरा ये डिसीजन है, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, मेरे को कंपनी फाउंड करनी है, मेरे को स्टार्टअप करना है, तो कई बार नहीं होता। लेकिन जैसा सर ने कहा कि कुछ टाइम बाद आप अपने आप को प्रूफ करो, छोटे छोटे लेवल पर प्रूफ करो, वो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं। और जब वो देख रहे भाई इसका अच्छा हो रहा है तो क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे? तो ये एक बहुत ही मुद्दे की बात है और ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कीजिए, आपका डिफरेंट आइडिया है, सोसाइटी से हटके आइडिया कीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको,
परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं, बट प्रूफ करने की जरूरत है छोटे छोटे, क्योंकि प्रूफ किसको कर रहे हैं आप? अपने माँ बाप को ही कर रहे हैं, समाज को नहीं कीजिए, माँ बाप को कीजिए अपने प्रूफ। ये सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट होगी टू स्टार्ट विथ योर स्टार्टअप। सही कहा क्या सर मैंने, आप बताइए आप। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है, जो आपने अभी बात बोली, मेरे पास कई बच्चे होते हैं स्पेशली जैसे ग्रेजुएशन में गर्ल्स वगैरह होती है, उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि, मतलब बच्चे बोलते हैं कि सर पेरेंट्स हमारे बाहर नहीं भेजेंगे। मेरा खुद भी देखा है, मैं मानता हूं दुनिया में केवल एक ही है जो अच्छा सोच सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर। मैं उनसे बोलता हूं कि अभी लड़ाई मत करो। जैसे कई बच्चे आते हैं सर एनआईटी त्रिची भेजेंगे नहीं हमें, गर्ल्स बोलती हमें जी, जी, सूरत कल नहीं भेजेंगे, यहाँ नहीं भेजेंगे। मैंने कहा अभी चिंता मत करो, अभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, जिस दिन सिलेक्शन होगा वही भेजेंगे। वो आज इसलिए मना करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कहीं नहीं हो तो तुम दुखी ना हो, वो तुम्हारे को सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसे निराश मत हो। और मैंने ऐसे कई बच्चों, हजारों बच्चों के साथ देखा, मैं बोलता हूँ जो चाहते हो लाइफ में सब कुछ पेरेंट्स का सपोर्ट होगा, पर पहले अचीव तो करो। बातें करने से नहीं होगा, बातें करते रहोगे तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। और सच में ऐसा होता है कि जब बच्चे रिजल्ट लाते हैं, पेरेंट्स खुद आके बोलते हैं कि सर हमें तो भेजना है इसको, तो वो जब सक्सेस आती है तो पेरेंट्स को समझ में आता है कि बच्चा हमारा कर रहा है। वो पहले थोड़ा डर होता है पेरेंट्स के अंदर कि कहीं बच्चा नहीं कर पाया तो वो दुख ना हो, क्योंकि पेरेंट्स का अपना बिल्कुल सही सोचना होता है, उनको लगता है उनका बच्चा कभी दुखी ना हो। जी जी बिल्कुल, नहीं नहीं सर सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे अब जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे सर आपके एजुकेशन की, कि इनिशियली जब आपने एजुकेशन किया या फिर इंजीनियरिंग में आप जाना चाहते थे, वहाँ से फीस आप नहीं वहाँ पे भर पा रहे थे, उतने फाइनेंशियली केपेबल आपका फैमिली बैकग्राउंड उस वक्त नहीं था, बट वहाँ से लेके आपका वो पीएचडी करने तक का जो डिसीजन है, आपने पीएचडी किया, तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि सर देखिए आजकल ना मतलब मास्टर्स भी लोग कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है कि भाई मास्टर निपटा लिया, आप देखते हैं कहीं तो जॉब वगैरह, जॉब की रिक्वायरमेंट भी कई बार मास्टर्स करना होता है तो इसके लिए करना पड़ता है, लेकिन पीएचडी बहुत कम लोग अपने खुद के विल पे करते हैं, या फिर कई बार जरूरत भी आ जाती है करियर में तो वो कर लेते हैं। तो मैं आपका पीएचडी करने का कारण जानना चाहूंगा कि क्या था, क्या सोच थी और कैसे आप आगे बढ़े। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने 12th के बाद पढ़ाना चालू किया था जी, और मुझे कभी भी किसी पढ़ाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं लगती। जैसे अपने हमारे करिकुलम में ना कि बीएड कर ले तो टीचर बन जाएंगे, बोलता हूँ टीचर एक आर्ट है, अपने अंदर से अगर आपके है तो आप बिना बीएड के भी अच्छा पढ़ा लोगे। तो मेरे को तो पढ़ाने में कभी कोई दिक्कत नहीं, 12th के बाद मुझे किसी डिग्री की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जिसको पढ़ा रहा था उतना मुझे आता था। पर क्या होता है कभी कभी हमें कुछ इसलिए भी करना पड़ता है कि जब मैं, क्योंकि इतना छोटा था तो हर कोई आके आपने क्या किया हुआ, अच्छा बस ग्रेजुएशन किया है, मुझे लगा ग्रेजुएशन से यार ये लोग खुश नहीं होते, चलो एमएससी कर लेते। एमएससी के बाद भी सर बस आपने एमएससी किया, आपने कुछ ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। मैंने कहा लास्ट डिग्री ले लेता हूँ क्योंकि उसके बाद अब आप पीएचडी के बाद क्या करना है, तो मैंने वो पीएचडी की डिग्री ले ली। पर मेरे को पढ़ाने में इन डिग्री का सपोर्ट नहीं है, पढ़ाना एक अलग चीज होती है, डिग्री तो एक सपोर्टिंग होती है। जैसे अब आपने आज इंजीनियरिंग करा, हो सकता है आप आगे और भी कुछ करो, पर कई बार हम इसलिए भी कर लेते हैं कि चलो ठीक है। तो मेरा पीएचडी का डिसीजन जब हुआ, जब पेरेंट्स, क्योंकि मैं बहुत छोटा था 12th के बाद, आप देखिए नॉर्मली लोग ग्रेजुएशन या पीजी के बाद पढ़ाते, तो वो उनको लगता था पता नहीं बच्चे को हमारे पढ़ा पाएंगे कि नहीं, अब आईआईटी के लिए मेरे पास बच्चे को भेज रहे हैं, तो एक मन में होता है कि यार ये खुद तो भाई ग्रेजुएशन किया सिंपल, ये पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा। सही बात है, सही बात है। तो वो जो डिग्री है एक सपोर्ट का काम करती है और कोई काम नहीं करती, इसलिए मैंने सोचा मैं पीएचडी भी कर लेता हूँ, जिससे कि एक ही लाइन में मैं बढ़ जाऊं। और भाई अब जैसे मैं आज पीएचडी हूँ डॉक्टर हूँ, मुझसे कोई पूछता नहीं है, तो ऐसा है। अच्छा नहीं ये इसके लिए सच बता रहा हूँ मैं, ऑनेस्टी चाहिए होती है सब कुछ बोलने के लिए, जो शरद सर ने बोला, नहीं तो बोल सकते थे वो भी, अरे नहीं बहुत मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ा, मेरा तो बचपन से सपना था पीएचडी करना, ये बोल सकते थे, ये बोलने के बाद ये और महान बन सकते थे। बट ये जो अभी उन्होंने कहा है इससे वो और महान दिख के आ रहे हैं कि भाई ये ऑनेस्टी दिखाई उन्होंने, वो सच्चाई दिखाई कि हाँ ये ठीक है, ये मतलब लाइक लोग कहते थे तो कुछ क्रेडिबिलिटी के लिए मुझे बताना पड़ता था कि भाई पीएचडी के, अरे हाँ फिर सही लगता है, हाँ फिर हम अपने बच्चे को आपके पास भेजेंगे, कुछ ऐसे ही था सर, आई थिंक सो। बिल्कुल सही। और मेरी वाइफ की भी इच्छा थी कि कुछ एजुकेशन में, तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था, मेरी लव मैरिज है तो एक होता है, मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर हैं सब हैं, तो एक लगता है उनको, तो मैंने उनसे बोल, मैंने वाइफ से प्रॉमिस किया था मैं पीएचडी करूंगा, चिंता मत करो जी, जी। और कल ही पीएचडी था इसलिए। जी जी तो सर लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कई बार कि लाइक यू नो आप मास्टर्स कर रहे हैं एंड आप पीएचडी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप सिखा भी रहे थे, टीचिंग भी कर रहे थे, पैरेलल ये चीज़ें चल रही थी, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ये कुछ गलत डिसीजन ले लिया बिकॉज मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अपने टीचिंग को? कभी आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एजुकेशन पीएचडी परस्यूइंग आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया कि मैं जितना टाइम टीचिंग के लिए दे सकता हूँ उतना नहीं दे पा रहा हूँ? नहीं ऐसा मुझे कभी लगा नहीं, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो अपन डिसीजन ले लें
उसको फिर जस्टिफाई करना जरूरी होता है। डिसीजन सही गलत नहीं होते, उसको जस्टिफाई कर दिया तो आप सही हो, नहीं कर पाए तो आप गलत हो। जी। तो वो मैं फिर टाइम निकाल के अपना करता था, नाइट में काम कर लिया, आफ्टरनून में कर लिया, क्योंकि टीचिंग में सुबह शाम क्लासेस होती हैं, तो वो टाइम मिल जाता, तो कभी ऐसा फील आया ही नहीं कभी भी कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। मुझे बल्कि लगता अच्छा रहा मैंने पीएचडी कर ली, पीएचडी करके मुझे अच्छा लगा, एक कॉन्फिडेंस भी आता है, चलो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होती है तो कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फिडेंस होता है, और ये डिग्रियां कॉन्फिडेंस ही देती हैं और कुछ भी नहीं देती। जी जी सही बात है, वो तो एक है। और अभी आपने जिक्र किया कि आपकी लव मैरिज हुई थी, तो मैं क्योंकि उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद आ गई कि बच्चों की लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि कई बार जो लड़के होते हैं, मतलब ये मैं बड़ा ही फ्रेंडली वे में सर आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आई होप आपको बुरा ना लगे, बट नहीं, एक मुझे एक नहीं लगा। हाँ, तो क्योंकि आपने सर स्टूडेंट ने आपके सामने ये समस्याएं रखी होंगी, इसीलिए मैं ये बात भी कर पा रहा हूँ। मैंने कई सारे स्टूडेंट ने प्रॉब्लम भी रखी है, और मैंने आपको बता दूं ऑनेस्टली, आज पहली बार बोल रहा हूँ ओपनली कि मैंने कई सारे बच्चों की लव मैरिज करवाई है, पर मैंने जो उनको अरे मैसेज दिया वो भी बताऊंगा आपको, तो आप पहले जी पूछिए क्या पूछना जी चाहते हैं, तो मैं बताता हूँ। सवाल यही था कि कई बार ना बच्चों के इनिशियल फेजेस में लाइफ में, लाइक यू नो, अरे मुझे उससे प्यार हो गया, अरे मुझे इससे प्यार हो गया, दिल का करार हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, अब तो हमें जीवन भर साथ रहना है, तो वो दिमाग में ज़्यादा चढ़ जाता है। और करियर वाइज या फिर अपने को ग्रो करना है, अपने को एक अलग पर्सनालिटी, 5 साल में अपन अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, 10 साल में अपन अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, ये थॉट प्रोसेस, माँ बाप का ख्याल रखना है, अपनी जनरेशन में अपने को कुछ अलग बन के दिखाना है, ये थॉट प्रोसेस कहीं साइड हो जाते हैं, और ये जो लव वाला जो फंडा रहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, नहीं, ये गलत नहीं है, बट ये ज़्यादा हो जाता है, और आजकल तो फिल्में भी ऐसी आ रही हैं, तो ये तो और प्रमोट हो रहा है, तो ये और सर ज़्यादा सर पर चढ़ जाता है। तो ऐसी समस्या से निकलने के लिए आप क्या समाधान बताएंगे? देखिए, मेरा तो बहुत क्लियर कंसेप्ट है, मेरी मतलब मेरी लव मैरिज भी है, और 5-6 ईयर मैंने वेट भी किया। मेरी मदर इन लॉ चाहती थी कि मेरी वाइफ जॉब करे, पहले उसकी एजुकेशन हो जाए फिर जॉब करे उसके बाद, तो मैं उस बात पे बिल्कुल एग्री था। मैंने उनसे कहा था 5-6 नहीं, आप जितना टाइम लेना ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं सही हूं तो अपने आप वेट करूंगा, नहीं तो नहीं। और बच्चों को भी मैं एक ही बात बोलता हूँ, चाहे फ्रेंडशिप की बात हो चाहे लव अफेयर हो, सही में अगर आपको किसी से प्यार है और आप उससे शादी करना चाहते हो, तो आप उससे शादी जब ही कर सकते हो जब आप कुछ बन जाओगे, नहीं तो वो लड़की ही छोड़ देगी या लड़का छोड़ देगा। आप तो दोनों जॉब करने लगे, पर अभी अगर हम इन जनरल देखें इंडिया में क्राइटेरिया, आज मैं अगर किसी के पास जाऊं कि आपकी लड़की से प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं, तो आप प्रैक्टिकली बताइए वो क्या देख के करेंगे? वो ये देख के, वो तो शादी तो उन्हें करनी है अपनी लड़की की, पर जी वो जिसको देखना चाहते हैं अगर वो क्वालिटी मुझ में होगी तो क्यों नहीं करेंगे? तो मैं बच्चों से बिल्कुल हमेशा बोलता हूँ, अगर लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है ना तो शॉर्ट टर्म खत्म कर दो, पहले सोच लो कि ये अभी स्टॉप कर दें हम, पहले मैं कुछ बनूंगा, आप अपनी फ्रेंडशिप भी रखो, बात भी करो, पर क्लियर होना चाहिए कि जब तक मैं इस पोजिशन पे नहीं पहुंचूंगा जब तक मुझे शादी नहीं करनी है। जैसे मेरा हमेशा ये मानना है कि मैरिज के लिए जल्दी भी नहीं करना चाहिए, मैंने काफी लेट की, क्योंकि वो तो सबकी हो जाती है, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है मैरिज करना, नॉट अचीवमेंट, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, है ना? तो मेरा ये मानना है, तो बच्चे मेरी इस बात को मानते हैं, और जिनकी मैंने करवाई है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, उन्होंने इस बात को सही में माना, और आज भी बोलते हैं कि सर आपकी वो बात सही थी, पूरा फोकस हमने अपने करियर पे लगाया, और जब बन गए तो माँ बाप खुद ही आके करने लगे, हमें तो कुछ एफर्ट ही नहीं डालना पड़ा, जिस चीज का डर था वो डर ही खत्म हो गया। तो भाई बिल्कुल हर एक यही चाहता है कि अच्छा कोई मिले, तो यही मैसेज होगा मेरा कि जो बच्चे सुन रहे हैं, सही में किसी से प्यार करते हो तो उस प्यार के लिए कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, आप सब कुछ आपको ऐसे ही मिल जाएगा। सही बात कही है सर, मतलब ये एकदम सही बात आपने यहाँ पे कही है, और ये इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि सामने वाला जो पार्टनर है, चाहे मेल हो या फीमेल, जो पार्टनर है आपका सामने वाला, वो आपको कितना समझता है। बिल्कुल सही, सीरियसली मैं यही बोलता हूँ कि अगर सही में प्यार होगा तो आपने जो टाइम दिया ना उसमें आप प्रूफ हो जाएगा, और मान लो नहीं होगा ना तो 2-3 साल बाद अपने आप ही हो जाएगा, और भगवान से थैंक यू बोलना, अच्छा हुआ जो चीज बाद में होके होती वो पहले ही हो गई, अच्छी हुई। तो ये मेरा स्ट्रांग बिलीव है इसमें, और बच्चे इस बात को मानते हैं। मैं बहुत, जैसे आपने बोला, मैं बहुत ओपन हूँ, मुझसे बच्चे हर तरह की बात कर सकते हैं, और मैं हर चीज का, मैंने बोला मैं हमेशा प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन देखता हूँ, आप तो बोलो इससे करना ना कर लो इससे, पर ये क्यों करेगी तुमसे पहले ये पूछ लो अपने आप से, सही बात आज तो नहीं है। करेगी, आज तो तुम कुछ भी नहीं हो, आज तो तुम्हारा मोबाइल भी जो तुम्हारे हाथ में है वो भी तुम्हारे पिताजी ने दिलवाया, तो तुम क्या उसको जो गिफ्ट भी दे रहे हो वो भी माँ बाप के पैसे से दे रहे हो, जिस दिन अपने पैसे से एक फूल दे दोगे ना कमा के, उस दिन सोचना क्या करना, सही बात है, क्योंकि मैं मतलब बता दूं 10-1 रुपए कमाना बहुत मुश्किल काम है, करोड़ों कमाना नहीं है, जिस दिन आप कमाने लगोगे ना उस दिन आप उस बात की वैल्यू समझ पाओगे।
नहीं, बहुत गहरी बात यहाँ पे सर ने कह दी और बिल्कुल ही सही बात कही है। और मैं अभी जब करियर की बात कर ही रहे थे, चलिए ये तो मैटर, ये लव शव वाला मैटर तो आपने क्लियर कर दिया पूरा, अब थोड़ा करियर पे वाले फोकस करते हैं। जो जब आपका करियर आगे बढ़ा तो उसमें एक नाम सामने आता है, जब आपके लाइक इम्पेटस गुरुकुल, ये आई होप सर मैं इसको करेक्टली प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इम्पेटस गुरुकुल बिल्कुल सही सर कह रहे हैं। जी, तो ये आपके लाइफ में कैसे आया, कब आया, और इसने कैसे आपकी लाइफ थोड़ी बदल के रख दी है, मैं जानना चाहता हूं सर। देखिए, मैंने क्योंकि 12th के बाद पढ़ाना चालू किया, तो पहले जी मैं फालके सर के साथ पढ़ाता था, जी जी फिर उसके बाद प्रोफेशनल ट्यूटर अग्रवाल सर के साथ पढ़ा है मैंने, जो भोपाल में बहुत फेमस थे, उनसे पढ़ा भी। जी इनफैक्ट मेरे अच्छी टीचिंग में एक बहुत बड़ा रोल भी है उनका भी, क्योंकि जब मैं उनसे पढ़ने जाता था तो उनके पास 200-300 बच्चे बैठते थे, तो मुझे लगता था यार ऐसे ही अपना कुछ होना चाहिए, तो वो एक थे। फिर उसके बाद मैंने प्रोफेशनल ट्यूटोरियल में पढ़ाया कुछ समय, जी जी फिर जी उसके बाद जो मेरे साथ पार्टनर थे मनीष सर, उन्होंने हम दोनों एमबीए और एमसी में, एमबीए के लिए भी पढ़ाता था कैट के लिए और एमसीए के लिए, तो हमारे कोर्स का, एमसीए के कोर्स का नाम था इम्पेटस, ओके और हाँ तो उससे ये बना। और मैंने इम्पेटस गुरुकुल इसलिए रखा कि मेरा ये जो आप बोलते हैं बचपन से एक ड्रीम था, जब 12th से पढ़ा था, कि गुरुकुल होना चाहिए जिसमें कि हम बच्चे को, जो मेरा विजन है कि हम बच्चे को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे संस्कार दें, उनकी लाइफ में वो कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए वो उसको फेस करना सीखें। तो उसके लिए गुरुकुल, जैसे पहले होता था गुरुकुल में हाँ माँ बाप भेज देते थे हाँ और बच्चे पढ़ते थे, तो जी वो मुझे महाभारत और रामायण की कहानी में वो चीज बड़ी बचपन से अट्रैक्ट करती थी, तो वो एक इसके साथ इम्पिटस कोर्स का नाम था और गुरुकुल उसको जोड़ के हमने उसको पूरा इम्पिटस गुरुकुल कर लिया। तो उसके अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये इम्पिटस एजुकेशन या इम्पिटस गुरुकुल में पढ़ाता रहा। 2013-14 में ऐसा लगा कि अब टाइम आ रहा है, थोड़ा सा अपने को अपडेट करना चाहिए, तो फिर हमने, मैंने ओके पेन ड्राइव कोर्स चालू किया, मतलब कोर्स को रिकॉर्ड किया, जी वो यूट्यूब पे वीडियो सौरभ ने 2011 में डाले, मैंने भी डाले, पर हाँ सौरभ ने बहुत अच्छे से कंटिन्यू किया, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था, कंटिन्यू किया। पर 2016 में मुझे लगा अब समय आ गया, और जब मैंने यूट्यूब पे डाला, बच्चों ने देखा, आज हमारे पास इंडिया भर के बच्चे आते हैं, तो बड़ा अप्रिशिएट किया बच्चों ने, तो उसके बाद फिर पेन ड्राइव बनाई। पेन ड्राइव के बाद दिक्कत ये हुई कि बच्चों को रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है, कनेक्ट नहीं हो पाते, तो वो बिल्कुल लाइव कोर्स स्टार्ट किया। ये कोविड से हमारा लाइव कोर्स नहीं, हमारा 4 महीने पहले ही हो गया था कोविड के, तो ये लाइव कोर्स स्टार्ट किया। फिर जो मन में था कि बच्चे ऐसे पढ़े, दूर दूर से आए गुरुकुल में, तो वो धीरे धीरे वो सपना अपने आप पूरा होता हुआ दिखा, और हो भी रहा है पूरा। जी, नहीं बड़ा कमाल का सर, मतलब लाइक आपकी जर्नी रही है और यहाँ तक अभी आप कर रहे हैं, तो ये छोटी बात तो नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। और आगे आगे ये तो बढ़ता रहेगा, ये जो आंकड़े हैं, स्टूडेंट्स के आंकड़े हो, सब्सक्राइबर्स के आंकड़े हो, फॉलोअर्स के आंकड़े हो, ये तो बढ़ते रहने वाले हैं। लेकिन सर एट द सेम टाइम जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज नॉट लाइक कि पॉजिटिव ही होते हैं, मतलब कि कुछ कमाल ही हो गया, कई बार ऐसा भी होता है सर, क्रिटिसिज्म भी मिलता है, क्योंकि आप अपने काम से, ये फैक्ट है सर कि आप अपने काम से सभी को खुश नहीं रख सकते, कोई ना कोई तो होगा जो आपको क्रिटिसाइज करता होगा, या फिर बहुत एडवर्स केस में आपको हेट करता होगा, आपके काम से नफरत करता होगा, ये भी चीजें होती है। मतलब तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके लाइफ में ऐसा कोई वाकया हुआ कि आपको ऐसा तगड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, या फिर ऐसा कुछ हेट झेलना पड़ा। देखिए आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, मैं एक ही जगह पे पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा जिसकी अच्छी रैंक आ रही है, एक बच्चा जिसकी अच्छी रैंक नहीं आ रही है, एक न्यूट्रल टाइप का, जिसकी अच्छी रैंक नहीं आ रही वो भी बोल रहा है कि सर ने ढंग से पढ़ाया नहीं, जिसकी अच्छी रैंक आ रही है वो बोल रहा है सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया पढ़ाया, दोनों को मैंने बराबर है, दोनों को बराबर पढ़ाया, दोनों को बराबर से सब कुछ दिया, पर अंतर ये है कि एक ने उसे अलग ढंग से गेन किया, एक ने उसको अलग ढंग से। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे कई बार टाल देते हैं, तो मेरा इस बात में बिल्कुल क्लियर है कि हम अपना काम अच्छे से करें, ईमानदारी से करें। मैंने कभी कोई कंपटीशन नहीं रखा, किस मेरा कोई कंपटीटर है ही नहीं, मेरा कंपटीटर मैं खुद हूँ, इसलिए अगर हम कंपटीटर रखें तो फिर वो उनकी हेड भी है, वो तो बोलते भी हैं, बहुत सारे लोग इम्पिटस के लिए बहुत बहुत कुछ बोल जाते हैं यूट्यूब पे या इस पे, बच्चे मुझे बताते भी कि सर उनने आपके लिए बोल दिया, उनने, मैंने कहा अच्छा है कम से कम उनने बोला, इसका मतलब मैं उनके दिल में हूँ और उनके दिमाग में भी हूँ, नहीं तो बोलते ही नहीं, तो अच्छी बात है ये, कहीं ना कहीं वो इस चीज से वो हो रहे हैं कि नहीं यार ये कुछ हो रहा है। तो अगर कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है तो भी आप कुछ अच्छा ही कर रहे होगे, जब भी कोई बुरा बोल सकता है, और अच्छा, अच्छे बोलने वाले, देखिए तारीफ करने वाले बहुत कम मिलेंगे, अच्छा बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे, जी जो बोल सकते हैं वो भी, अच्छा बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बुरा बोलना सर, बहुत आसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो इन सब चीजों का अगर हम अपने ऊपर इफेक्ट ना पड़ने दें तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे होते हैं, और मैंने कभी ज्यादा पढ़ने भी नहीं दिया, ज्यादा इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया। कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपको, आपके सामने इतना मीठा बनते हैं, बाद में ये बोलते हैं, मैंने कोई बात नहीं,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा काम करना है, मुझे पता आज वो कितना भी बुरा बोल रहे पर अंदर उनके मन में भावना है कि नहीं सर हमारा बुरा नहीं चाहते। अगर हम अच्छे से सही बच्चे के लिए सोच रहे हैं तो कोई हर्ट नहीं कर सकता, कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप और गुरु ये ऐसे हैं जिनके लिए कोई कितना भी निगेटिव सोच ले एट लास्ट वो अच्छा ही सोचेगा। बिल्कुल सही बात कही जो आपने आखिर में सर मेंशन किया, वो एकदम सही बात किया कि हम अच्छा ही सोचेंगे, और इसमें कहीं ना कहीं हमारा नियत जो होती है, जैसी जिसकी हाँ नियत बस वैसी उसकी बरकत होती है, तो ये नियत भी हाँ बहुत बड़ा फैक्टर होती है कि फिर लोग जो चाहे कहिए, मुझे पता है मैं सही नियत से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि बिल्कुल सही मेरी बात मेरी नियत किसी के नुकसान करने की नहीं है, बल्कि उसका भविष्य सुधारने की अगर मेरी नियत है, तो भाई आप मुझे क्रिटिसाइज कर लो, आप मुझे गाली दे दो, जो कहना है भाई कर लो, लेकिन मुझे पता है मैं काम सही कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मैं करता रहूंगा, कुछ टाइम बाद आपको भी रियलाइज हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत सही बात है। एक्चुअली मेरे साथ भी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे कि हम भी अपनी नियत सही लेके चलते हैं, कई बार कुछ वीडियोस पे कमेंट आ जाते हैं, अरे ये क्या है भाई, ये क्या कर रहे हो, फिर उसके बाद उसी बंदे के कमेंट या इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं कि अरे नहीं भाई आप आपकी वजह से यार पास हो गए यार, एग्जाम पास करवा दिया अपने इंजीनियरिंग जैसे मैं आपको बताऊं, आप 5 मिनट चला रहे हैं, मैं आपको की। बताता हूं, हो सकता है आपने सुना हो नहीं सुना, अरे 5 मिनट में कौन पढ़ाएगा, ये 5 मिनट में कोई पढ़ा सकता है क्या, फालतू की बकवास है जो आप, ये बोलना बहुत आसान होता है किसी को, पर जब वो खुद आपको 5 मिनट में देखेगा तो समझ जाएगा कि मैं बल्कि 50 मिनट में खराब कर रहा हूँ बच्चों का समय, जो चीज मैं सही में 5 मिनट में दे सकता हूँ। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मेरे क्वेश्चन जो होते हैं ना सॉल्विंग टाइम, मैंने अभी एक चैनल बनाया हुआ है मैथ्स मास्टर, जिसमें मैं 1 मिनट या 1 मिनट से कम समय में सारे आईटी के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, अच्छा जरूरत ही नहीं ना आगे पीछे, मैं सीधा क्वेश्चन लेके उनको समझाता हूँ, वो केवल इसलिए कि बच्चा देखे कि 30 सेकंड 40 सेकंड में कैसे हो सकता है। इसलिए मैं आपके 5 मिनट से बहुत खुश हुआ, क्योंकि जी मैं भी यही सोचता हूँ कि बच्चे को हम क्यों 10 कहानी सुना रहे हैं। तो हाँ आपके 5 मिनट पे आपको बहुत लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर, अरे 5 मिनट बकवास यार, 5 मिनट में कोई क्या क्या बता देगा, अरे मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में ही सब बता सकते हैं। हम किसी से मिलते भी है ना तो हम पहले 5 मिनट ही काम की बात करते हैं, बाकी तो 55 मिनट बेकार की बात करते हैं। सही बात है। तो वैसा है, तो वो बहुत अच्छी, मुझे वो कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। हाँ, और सर एक्चुअली फंडा क्या है पता है क्या, मतलब कई बार मुझे जैसे अभी आपने कहा अरे 5 मिनट में थोड़ी ना होता है, कई बार मैं भी एग्री करता हूँ कि नहीं होता भाई 5 मिनट में नहीं होता, बट 5 मिनट ये कोई रिस्ट्रिक्टेड टाइम लिमिट नहीं है। पांच मिनट का सर अलग मीनिंग है यहाँ पे। 5 मिनट का मीनिंग ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं 2 मिनट में मैगी बन जाती है, 2 मिनट की मैगी, सच में 2 मिनट में बनती है नहीं, टाइम लगता है उसको भी, उबलने में भी टाइम बिल्कुल लगता सही है, एग्जांपल टाइम है। लगता है। तो ये मैंने बहुतों को दिया है सर, क्योंकि ये मैंने बहुत सुना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 5 मिनट का मतलब क्या है, लेट से मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि सर जी ये तो सिर्फ 5 मिनट का काम है, तो इससे आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, दो विचार आते हैं कि सबसे पहली बिल्कुल सही। हाँ सबसे पहला विचार आता है कि ये काम आसान होगा, और दूसरा ये होता है कि भाई इसमें ना कम टाइम लगेगा। तो ये दो विचार मैं अपने हर वीडियो में डालने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए 5 मिनट सर ये है ये ये। यही कॉन्फिडेंस, यही जो आप बोल रहे हैं ना, 5 हो सकता है, 5 की जगह 10 मिनट हो जाए, 3 मिनट हो जाए, पर जो कॉन्फिडेंस कि नहीं यार आप कर सकते हो 1 मिनट में भी, आप 2 मिनट में भी, कम से कम उनकी सोच तो होना चाहिए। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ाता था, तो क्योंकि मैं 12th के बाद पढ़ा रहा था, तो कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो मुझे बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन लाके देते थे जी जान करके। इवन भोपाल में एक दो टीचर थे जो बहुत फेमस थे आईआईटी के लिए, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो जी बच्चों को जब क्वेश्चन देते थे तो वो बच्चों को क्वेश्चन ये देते हुए बोलते थे, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, चैलेंज है, करके दिखा दो। बच्चा पहले ही टूट जाता था, बच्चा हाँ हमारे बच्चों से पूछता था, वो लाते थे, मैं बोर्ड पे कर देता था। अगर आप बच्चे से पहले ये बोल दोगे कि चैलेंज है, तो लोग बिना बात के चले, ये बोल दे कि नहीं नहीं ये तो इजी है, करो कोशिश तो करो। क्या होता है कि आप क्या फीडबैक दे रहे हो, आप ब्रेन में क्या, आप उसके मन में बार बार डर बिठा रहे हो कि ये तो बहुत टफ है, ये कर नहीं सकते मेरे बिना, तो बच्चा धीरे धीरे करना छोड़ देता। मेरा मानना बिल्कुल है कि हमें बच्चे को ऐसा डेवलप करना है कि वो खुद करे, क्योंकि देखिए आप और हम कितना भी अच्छा टीच कर दें, जब तक वो खुद नहीं पढ़ेगा बच्चा, जब तक इंटरनल फीलिंग नहीं आएगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ये सोचना है और वही आपका भी सोचना है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि जी हम बच्चे के अंदर का डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। और सर कई बार मतलब मैंने ये एक चीज तो नोटिस की कि डर है, तो डर तो चलो 5 मिनट में निकाल देते हैं, साथ ही साथ में कई बार सर लाइक होता है इंजीनियर्स का, अरे यार अभी ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, बोरियत किस्म होती, कई बार बोरियत होती है, अरे अभी ये मुझे पढ़ना, अभी एग्जाम आ रही तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, अब ये कैसे मैं पढ़ूंगा, तो निराशा होती है, एक्साइटमेंट नहीं होती। तो इसलिए मैं अपने हर वीडियो की शुरुआत में भी कहता हूँ हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, तो वो पहले बता देता हूँ कि भाई कमाल का होने वाला है, तो वो एनर्जी जो है, वो स्पार्क जो है, वो इनिशियली लाइटन हो जाता है, और उस एक्साइटमेंट के साथ वो देखते हैं तो सर वो बड़ा ही अच्छी तरीके से ग्रास्प कर लेते हैं, उनको नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, कई कई बार वो जो बोला है वो छप जाता है, और जो यहाँ पे छपा है वो पेपर पे छप जाता है, और इस तरीके से बहुत सारे पास हो गए। कई बार तो अगर मैं मजे
मजे के आपको किससे बताऊं, तो ऐसा हुआ है कि मेरा खुद का पॉइंटर 9 के आसपास घूमता था 10 में से, तो कई सारे मुझे स्टूडेंट्स डीएम करते हैं कि अरे सर जी सिर्फ आपके वीडियो देखे मेरा इस सेमेस्टर में पॉइंटर जो है वो 9.6 9.5 आ गया। मैं बोला भाई इतना मेरा नहीं है जितना आपका आ गया। बिल्कुल सही। तो ऐसा ऐसे भी सर कुछ फीडबैक आपको आए आपके स्टूडेंट की तरफ से कि मेरे पास तो बहुत आए, बताइए मेरे पास बहुत बच्चों के आए फीडबैक्स कि जो बच्चे बोलते हैं कि सर ये वीडियो देखा और हमारा तो आईआईटी में मैथ्स क्लियर हो गया, इतने परसेंट आए जो मेरे भी नहीं आए। मैं तो आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तो मन में बड़ी खुशी होती है आज अगर कोई मेरा बच्चा या देख के भी, कोई जरूरी नहीं कि वो कोर्स ज्वाइन करता नहीं करता, वो वीडियो देख के भी अगर कुछ सीखता है तो हमारी सक्सेस यही है सबसे बड़ी कि बच्चा उसको देख के कुछ सीख रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है। इससे बड़ी सक्सेस किसी टीचर के लिए कोई हो ही नहीं सकती। आज सौरभ इतना अच्छा कर रहा है तो एक गर्व होता है कि अरे नहीं मेरा बच्चा इतना अच्छा कर रहा है आज उसका, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा। जो मेरे पास भी बच्चे आते हैं एमसीए वाले, वो पढ़ के आए हुए थे सौरभ सर से कि सर सौरभ सर के वीडियो से हमने सी सी प्लस प्लस सीखी, तो एक मन में बड़ी खुशी होती है कि नहीं हम सही जा रहे हैं। ऐसे बहुत आज इम्पीटर्स के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगहों पे टीचिंग कर रहे हैं और बहुत एक्सेल कर रहे हैं, तो बड़ा मन खुश होता है कि नहीं यार यही हमारी सफलता है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पैसा वैसा तो सब आता रहता है, उसका वो क्राइटेरिया ना कभी पहले था ना आज है, और मैं कहूंगा होना भी नहीं चाहिए वो, बिल्कुल, क्योंकि हम अगर मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं तो हमारी टीचिंग स्किल डाउन होने लगती है। हाँ नहीं सर बिल्कुल आपने सही बात कही, और लाइक इसी बात के साथ, इसी कमाल की बात के साथ जो है मैं इस पॉडकास्ट का एक तरीके से समापन करना चाहूँगा। लेकिन समापन करने से पहले सर क्या आप कुछ एडवाइस, कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को इस पॉडकास्ट के जरिए? जी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे आप तो इंजीनियरिंग बच्चों को टीच कर रहे हैं, तो कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं सेशन लेता हूँ मैं हमेशा एक बात बोलूँगा कि हर एक बच्चे को खुली आंखों से और पूरे होश के साथ ये देखना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को लगता है कि मुझे मैनेजमेंट में जाना है, तो इसका हर जगह पे कोशिश होना चाहिए कि सब टॉप देखें। तो मैनेजमेंट में जाना है तो कहां से एमबीए करना है ये फाइनल ईयर में नहीं सोचना है, फर्स्ट ईयर में सोचना है और एक्शन लेके कैट की प्रिपरेशन चालू करना चाहिए। गेट में जाना है स्टार्टिंग से एक्शन लेके पढ़ाई करना चाहिए, यूपीएससी करना है यानी जो भी लाइफ में करना है अपने विजन को एक पेपर पे हमेशा लिखना चाहिए, अपने सपने को लिखो। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अगर बच्चा ये करेगा, मैं करवाता भी हूं हर बार 31st को कि लिखो क्या लिखते हो, मुझे पता है वो जो थॉट लिखेंगे वो अगले दिन उसे फाड़ देंगे क्योंकि उसमें क्लियरिटी नहीं। तो मैं बोलता हूं लिखते रहो हर हफ्ते, अपने ड्रीम को लिखते जाओ, देखना महीने दो महीने तीन महीने में आपको अपना विजन क्लियर हो जाएगा, और जब विजन क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद लेना उस पर एक्शन। लोग सपने देखते हैं, मैं इतने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे सपने बहुत देखते हैं, सब चाहते हैं पर उस पर एक्शन नहीं लेते, और बिना एक्शन के कोई कुछ नहीं हो सकता। जैसे कोई बहुत अच्छी स्टोरी है पर अगर उस पर मूवी बने नहीं तो कोई नहीं जान सकता, तो आपको अपनी फिल्म की स्टोरी खुद बनाना है। स्टोरी लिखो और उसको रियलिस्टिक प्रूव करके दिखाओ कि मैंने अपनी जो लाइफ में सोचा था वो कर सका हूं, और वो बिना एक्शन के नहीं हो सकता। तो सभी बच्चों को ये बोलूंगा कि जो मन में सोचते हो कुछ भी करो, कोई भी कुछ गलत नहीं है, जो करना है वो करो। कंपनी स्टार्ट करना है, कंपनी में जॉब करना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, चैनल बनाना है, पर करो और एक्शन लो और मत डरो क्या होगा, क्योंकि क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में आप अपना बेस्ट दीजिए, कर्म करिए, पल पल की चिंता छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर आपने जो बताया, और इसको मैं एक रिलेटेबल एग्जांपल, मतलब मेरा तो कहानी एग्जांपल के बिना खत्म ही नहीं। मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है बहुत, मतलब मेरे को जैसे स्टूडेंट लगते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनसे ट्यूनिंग बैठ जाती है, वैसे आप बहुत मतलब उन चीजों को समझ पाते हो। जी और यही समझ के अभी मैं एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ, जो आपसे बात करते हो मेरे दिमाग में एकदम जल उठा कि देखिए आखिरकार आपकी लाइफ में आप हो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अकेले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक 1 BHK फ्लैट है, ये आपकी लाइफ है, उसमें आप रहते हो। अब कई बार दिक्कतें आती है, मतलब लाइट चली गई, मान लीजिए गर्मी हो रही है, ठीक है, नहीं लाइट है, चलिए ये सिचुएशन ऐसे रखते हैं अपन, लाइट है सर जी, और आपको गर्मी हो रही है। गर्मी मतलब क्या कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर आपने कुछ सोचा है कि मुझे ये करना है, तो ऑब्वियसली बात है गर्मी हो रही तो आप क्या करोगे, फैन ऑन करोगे, या फिर सिर्फ फैन ऑन करना है ये सोचोगे सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, उंगली थोड़ी सी सीधी करनी पड़ेगी और फिर स्विच का बटन दबाना पड़ेगा, तब जाके फैन ऑन होगा, तब जाके आपको राहत मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी, तब जाके गर्मी से छुटकारा मिलेगा। तो यही चीजें आपको करनी है, सिर्फ सोचने से कि यार फैन ऑन हो जाए, मतलब अभी तक तो वो टेक्नोलॉजी आई नहीं कि आप ब्रेन पावर लगा के उसको ऑन कर दो तो पता नहीं आगे चल के आ जाए, पर ये आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
बिल्कुल सही बात है। जी। तो मुझे तो बहुत मजा आया सर जी के साथ बात करते हुए, एंड माय सर जी के भी सर जी शरद सर यहाँ पे आ जाए, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। और बड़ा ही मजा आया सर आपके साथ बात करके, और सबसे बड़ा थैंक यू जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है वो मैं आपको देना चाहूंगा। थैंक यू फॉर आपने समय निकाला और इस पॉडकास्ट पे आन अपनी एडवाइस शेयर की। थैंक यू सर। थैंक यू। और मैं एक बात और बोलूंगा, ये काफी अच्छा सेशन है और आपने ये जो स्टार्ट किया इनिशिएटिव, इसको कंटिन्यू रखिए। बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मैं तो कहता हूँ एक भी बच्चा इससे कुछ सीख लेना तो बस समझ लीजिए कि आपका ये पॉडकास्ट हिट हो गया, मतलब बस समझ जी लीजिए यही। तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, जी जी ऐसे ही जी बच्चों को पढ़ाइए, मोटिवेट करिए। बहुत एनर्जी है आप में, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपकी इस एनर्जी से हजारों लोगों में चेंज आएगा। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और यही प्रयास मैं हर पॉडकास्ट में करता हूँ, करते रहूंगा, और आप भी तो रुकेंगे ही नहीं। आपने भी मोटिवेट कर दिया है, एनर्जी बरकरार रहेगी। और दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट देखने से पहले अगर कुछ एक आप इंसान थे, और पॉडकास्ट देखने के बाद अगर आप कुछ अलग इंसान है, अगर पॉजिटिव से भर चुके हैं, पॉजिटिविटी से भर चुके हैं, तो भाई ये पॉडकास्ट सफल रहा। ये जो हमारी मेहनत है, ये जो सदस्य यहाँ पे आए हैं, टाइम निकाला है, ये सफल रहा हमारी तरफ से। सो थैंक यू, एंड आई होप दोस्तों मुझे भी आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और सेम आपको डिलीवर हुआ होगा। तो दोस्तों जरूर इस पॉडकास्ट को यार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए जरूर, ये दोनों चीजें कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बनता है कि नहीं? ये तो बनता है शरद सर, बनता है। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। जी तो ऑल द थैंक यू बेस्ट। जी थैंक यू, थैंक यू शरद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।